हाय फ्रेंड्स, आई एम लवलेस प्रजापति। आप सभी का क्लब एग्रीकल्चर एकेडमी के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारे यहाँ UPPCS एग्रीकल्चर सर्विसेज की जो वैकेंसी आई हुई है, उसी के संबंध में हमारे यहाँ ऑनलाइन क्लासेस सुचारू रूप से चल रही हैं। उसी के संबंध में आज हम दूसरा वीडियो लेकर आए हुए हैं आपके बीच में एंटोमोलॉजी का, और जिसमें हम आपको आज पढ़ाएंगे मैथड ऑफ पेस्ट कंट्रोल। तो आइए जानते हैं कि मेथड कौन कौन से हमारे पेस्ट कंट्रोल के। तो हम समझते हैं, जनरली सभी लोग पढ़ते हैं कि मेथड और कंपोनेंट ये दोनों चीज़ अलग है। तो अगर आपसे कभी कभी पूछा जाता है कि मेथड, तो बहुत से लोग समझते हैं कि मेथड और कंपोनेंट ये थोड़ा सा इनमें डिफरेंस है, तो वो डिफरेंस हम समझेंगे। तो सबसे पहले जो मेथड है हमारे पेस्ट कंट्रोल के, वो दो मेथड होते हैं, समझ लीजिएगा। जो पहला है वो है नेचुरल कंट्रोल, दूसरा होता है अप्लाइड कंट्रोल। ये दोनों में अंतर क्या होता है? नेचुरल कंट्रोल, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है आपको कि नेचुरल मीन्स नेचुरली, यहाँ पर नेचुरल कंट्रोल में क्या होगा कि ह्यूमंस का जो रोल्स है या इंटरवेंशन है, वो देयर इज नो इंटरवेंशन ऑफ ह्यूमंस बीइंग फॉर रिड्यूसिंग अ पेस्ट पॉपुलेशन। मीन्स पेस्ट पॉपुलेशन को रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए यहाँ पर ह्यूमंस बीइंग का कोई भी इंटरवेंशन नहीं होगा, वो हमारे क्या होगा, नेचुरल कंट्रोल। इसमें जैसे एग्जांपल मींस आपका यहाँ पर आ जाता है कि हैवी रेन्स, हाई टेम्परेचर्स, मींस आपके जो नेचुरल फैक्टर्स हैं वो हमारे क्या है, ऑटोमेटिकली पेस्ट की पॉपुलेशन को कंट्रोल करते हैं या रिड्यूस करते हैं, वो हमारे नेचुरल कंट्रोल में आता है। दूसरा आता है अप्लाइड कंट्रोल, मींस अप्लाइड में क्या होता है, या आर्टिफिशियल बोलते हैं इसको। और अप्लाइड आर्टिफिशियल कंट्रोल में यहाँ पर आप कह सकते हो अप्लाइड कंट्रोल वह कंट्रोल होता है जिसमें यहाँ पर क्या, देयर इज ए इंटरवेंशन ऑफ ह्यूमन बीइंग, यहाँ पर ह्यूमन बीइंग का हस्तक्षेप या इंटरवेंशन होता है पेस्ट को रिडक्शन के लिए या पेस्ट पॉपुलेशन को कम करने के लिए। जैसे अप्लाइड या आर्टिफिशियल कंट्रोल में आपका आता है, आपके जितने भी टूल्स हैं या कंपोनेंट्स हैं IPM के, वो सारे के सारे आ जाते हैं, कल्चरल, फिजिकल, मैकेनिकल, बायोलॉजिकल, लीगल एंड केमिकल, ये हमारे क्या है, सारे के सारे अप्लाइड में आएंगे, या इन्हीं को आप बोल सकते हो टूल्स या कंपोनेंट्स ऑफ IPM। तो आइए हम वन बाई वन समझेंगे मेथड ऑफ पेस्ट कंट्रोल। मेथड ऑफ पेस्ट कंट्रोल में हमने बताया आपको कि दो प्रकार का होता है मेथड, जिसमें से पहला है नेचुरल और दूसरा है अप्लाइड कंट्रोल। नेचुरल कंट्रोल में होता है, जैसे आप नाम से ही पता चल रहा है, नेचुरली मींस इसमें पेस्ट हमारा नेचुरली कंट्रोल हो जाए, जिसमें ह्यूमंस का इंटरवेंशन कुछ ना हो। तो यहां पर हम लिखेंगे देयर इज नो इंटरवेंशन ऑफ, देयर इज नो इंटरवेंशन ऑफ मैन इन रिड्यूसिंग द पेस्ट पॉपुलेशन। मीन्स मैंस का यहाँ पर कोई इंटरवेंशन ना हो पेस्ट को कंट्रोल करने में, वो हमारा क्या होता है, नेचुरल कंट्रोल। जैसे हैवी रेंस वाश अवे द एफिड्स एंड अदर सकिंग पेस्ट। जैसे क्या, हैवी रेन्स हो जाती है तो हमारे जो एफिड्स एंड अदर सकिंग पेस्ट है वो क्या है, पास अवे हो जाते हैं, मीन्स धुल जाते हैं। दूसरा हाई टेम्परेचर इन समर, टू इन्फ्लुएंस द नंबर ऑफ जनरेशन।
मीन्स हमारे नेचुरल फैक्टर्स हैं जो कि पेस्ट पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए गवर्न करते हैं। तो हमारे जो क्या हाई टेम्परेचर समर में पेस्ट क्या है उसकी इन्फ्लुएंस मीन्स अफेक्टेड होगी, प्रभावित होती है नंबर ऑफ जनरेशन। मीन्स जैसे आप लोग जानते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म के लिए एक प्रॉपर बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स की जरूरत होती है, या कह सकते हो एबायोटिक मीन्स एनवायरमेंटल फैक्टर की जरूरत होती है। मीन्स प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए एक स्पेसिफिक टेम्परेचर की जरूरत होती है। जब समर में हाई टेम्परेचर होगा तो वहाँ पर क्या है इंसेक्ट की जो जनरेशन है वो क्या है अफेक्टेड होगी। तो ये आपके दो थे जिसमें से नेचुरल फैक्टर मीन्स और भी बहुत सारे हैं जो हमारे नेचुरली जो है कंट्रोल होते हैं। इसी प्रकार से हम दूसरा पढ़ेंगे एपलाइट। दूसरा दूसरा मेथड पढ़ेंगे एप्लाइड। एप्लाइड कंट्रोल या आर्टिफिशियल कंट्रोल। यहां पर क्या होता है कि पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए मैंस का ह्यूमंस बीइंग का क्या होता है हस्तक्षेप होता है, इंटरवेंशन होता है। तो यहां पर लिख सकते हैं देयर इज ए इंटरवेंशन ऑफ मैन इन रिड्यूसिंग अ पेस्ट पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए क्या है ह्यूमंस इंटरवेंशन की जरूरत होती है। उसे वो क्या होता है हमारा अप्लाइड आर्टिफिशियल कंट्रोल। और इसके अंतर्गत हमारे जो आते हैं ह्यूमन इंटरवेंशन मीन्स कल्चरल कंट्रोल, मैकेनिकल कंट्रोल, बायोलॉजिकल एंड केमिकल कंट्रोल। ये हमारे क्या है अप्लाइड में आता है, या इसी को आप कह सकते हो टूल्स ऑफ आईपीएम या कंपोनेंट्स ऑफ आईपीएम। तो ये हमने ब्रॉडली मेथड ऑफ पेस्ट कंट्रोल जाना जो कि दो प्रकार का होता है, फर्स्ट इज नेचुरल, दूसरा अप्लाइड या आर्टिफिशियल कंट्रोल। इसी क्रम में हम जानेंगे इसके बाद यहाँ पर जो जिक्र हुआ टूल्स या कंपोनेंट्स ऑफ आईपीएम, तो इसी क्रम में हम जानेंगे कि आईपीएम क्या होता है, क्योंकि हमें आईपीएम जानना जरूरी है। हमने ये तो मेथड जान लिया, मेथड क्या है और आईपीएम थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि मेथड के अंदर ही आपका आईपीएम आता है जो कि हमने बताया अप्लाइड या आर्टिफिशियल कंट्रोल में ही आपका आईपीएम आता है। तो हम इसी क्रम में हम जानेंगे व्हाट इज द आईपीएम मैनेजमेंट आईपीएम या इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। आईपीएम की डेफिनेशन जो है बहुत सारी मिलेंगी आपको डिफरेंट बुक्स में, डिफरेंट होती हैं, लेकिन हम आपको एक सिंपली समझाएंगे और आप याद करने से अच्छा समझ लीजिए तो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। जैसे नाम से ही आपको पता चल रहा है इंटीग्रेटेड मींस क्या होता है कलेक्टिव, इंटीग्रेशन ऑफ टैक्टिसेस या टूल्स। मींस जब आप आईपीएम के दो या दो से अधिक कंपोनेंट्स या टूल्स को कंबाइंडली यूज करेंगे फॉर ए पर्टिकुलर पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए वो क्या होता है हमारा आईपीएम। तो हम इसी क्रम में एक आपको डेफिनेशन बताएंगे। तो आईपीएम इज ए सस्टेनेबल अप्रोच, आईपीएम इज ए सस्टेनेबल अप्रोचेज टू managing a pest by combining a cultural, mechanical, biological and chemicals tools in a way, इस वे में मैनेज करेंगे इन ए वे
टू मिनिमाइज द इकोनॉमिक हेल्थ एंड एनवायरमेंटल रिस्क इसमें हम आईपीएम में क्या करेंगे, एक क्या असस्टेनेबल अप्रोच है, मींस टिकाऊ अप्रोच है, जिसे क्या कहते हैं पेस्ट को मैनेज करते हैं इन बाय कंबाइनिंग कल्चरल मैकेनिकल बायोलॉजिकल एंड केमिकल टूल्स इन एवे, जिससे इन एवे में यूज करेंगे, जिससे हमारा क्या है मिनिमाइज होगा क्या इकोनॉमिक मींस कास्ट ऑफ आपका जो प्रोटेक्शन कास्ट है आपकी मैनेजमेंट कास्ट है वो क्या है मिनिमाइज हो, दूसरा हेल्थ एंड देन तीसरा एनवायरमेंटल रिस्क जिससे हमारा क्या है इकोलॉजिकल बैलेंस डिस्टर्ब ना हो। ये तीन चीज़ को हम ध्यान में रखते हुए आईपीएम को अडॉप्ट करेंगे और इसी क्रम में हम जानेंगे कुछ आईपीएम से फैक्ट संबंधित, जिससे जो पहला है जो द टर्म आईपीएम वाज फर्स्ट coined by Bartlett 1956 in 1956, जो अगर आपसे पूछा जाए कि जो IPM जो टर्म है उन्होंने सबसे पहले किसने coined किया तो आंसर क्या होगा Bartlett 1956। इसी क्रम में दूसरा हम फैक्ट्स जानेंगे IPM से रिलेटेड, अगर पूछा जाए कि द टर्म आईपीएम वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय तो यहां पर आंसर हो जाएगा हमारा जियर एंड क्लार्क 1961। ये हमारे कुछ दो फैक्ट्स हैं इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि जो टर्म है आईपीएम का किसने प्रपोज किया एंड किसने क्वाइंड किया, तो अगर प्रपोज पूछे तो जियर एंड क्लार एंड क्वाइंड पूछे तो Bartlett 1956। तो ये हमने आईपीएम को समझा। अब इसके बाद हम आपको बताएंगे कंपोनेंट्स ऑफ आईपीएम, क्या कंपोनेंट्स ऑफ आईपीएम या टूल्स ऑफ आईपीएम या कह सकते हो टैक्टिसिस या टेक्निक्स ऑफ आईपीएम, ये हमारे क्या है सब कई नाम से पूछा जाता है। तो आइए हम आपको बताते हैं टूल्स कौन कौन से टूल्स हो सकते हैं आईपीएम्स के। टूल्स से पढ़ने से पहले हम कुछ और चीज आपको बताएंगे आईपीएम में, जैसे हमारा आईपीएम का उद्देश्य क्या होता है, ऑब्जेक्टिव या एम्स ऑफ आईपीएम। तो हमारे जो मुख्य उद्देश्य होते हैं आपके कई हैं, चार से पांच हैं, लेकिन हम आपको दो मुख्य उद्देश्य बताएंगे उसमें से जो इम्पोर्टेंट है। पहला हमारा एम्स होना चाहिए, क्या होना चाहिए आईपीएम्स का, कि आईपीएम का जो हमारा पहला उद्देश्य है क्या है कि यहाँ पर रिड्यूस द यूज ऑफ सिंथेटिक पेस्टिसाइड्स का जो यूजेज है इसको हम क्या करेंगे कम करेंगे, रिड्यूस द यूजेज ऑफ पेस्टिसाइड्स सिंथेटिक पेस्टिसाइड जो हमारे हैं उनको क्या करेंगे कम करेंगे। दूसरा हमारा उद्देश्य होता है कीपिंग द पेस्ट नंबर बिलो हार्मफुल मीन्स ब्रैकेट में ले सकते हैं ETL, बिलो ETL आपको क्या करना है पॉपुलेशन रखना है इंस्टेड देयर इरेडिकेशन, मीन्स पेस्ट को इस लेवल तक आपको मैनेज करना है कि आपका जो हार्मफुल लेवल है मीन्स ETL है उससे पेस्ट की पॉपुलेशन कम रहे, इंस्टेड मीन्स उसकी जगह कंप्लीट इरेडिकेशन की जगह आपको क्या करना है कंप्लीट इरेडिकेट नहीं करना है पेस्ट को, आपको पेस्ट को हार्मफुल आपका जो लेवल है ETL बिलो ETL वहां पर रखना है और ना कि पूरी तरह से इरेडिकेट करना है।
ये हमारे दो मुख्य उद्देश्य होते हैं। पहला आपका कि सिंथेटिक जो पेस्टिसाइड्स उनका यूजेज क्या है कम करना है, दूसरा पेस्ट का जो नंबर्स है या पॉपुलेशन है वो हमें क्या रखना है, बिलो ईटीएल रखना है। ये हमारे दो उद्देश्य होते हैं। तीसरा इसके बाद हम जानेंगे कि प्रिंसिपल्स क्या होता है, मेन हमारा जो प्रिंसिपल्स क्या हो सकता है आईपीएम का, तो आपको बताएंगे कि एक्स का जो मुख्य सिद्धांत है आईपीएम का वो होता है आपका कि आपको यहाँ पर जो प्रिंसिपल्स है, मुख्य जो प्रिंसिपल्स है आपका क्या है कि यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन, दूसरा क्या है प्रिंसिपल, आइडेंटिफिकेशन ऑफ की पेस्ट एंड बेनिफिशियल ऑर्गेनिज्म। मींस आपको आइडेंटिफाई करना है कि हमारे मित्र कौन है और शत्रु कौन है, मींस मित्र कीट और शत्रु कीट को आइडेंटिफाई करना है, मींस आपका पेस्ट कौन है और बेनिफिशियल ऑर्गेनिज्म मींस पैरासाइट पैरासिटॉइड एंड प्रीडेटर्स कौन है, ये हमें क्या है सिद्धांत होता है। दूसरा हमारा जो मुख्य सिद्धांत होगा क्या है, डेवलपमेंट द मैनेजमेंट स्ट्रेटजी, मींस पेस्ट को मैनेजमेंट की हमें क्या है स्ट्रेटजी विकसित करना होगा कि कैसे हम हाउ टू मैनेज, आपको स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी कैसे आपको मैनेज करना पेस्ट। ये हमारे क्या मुख्य सिद्धांत होते हैं आईपीएम्स के, जैसे आपको दो हम आपको ऑब्जेक्टिव या एम्स बताया उद्देश्य, उसी प्रकार से आपको दो क्या है सिद्धांत, ये चीज हमें आईपीएम को फॉलो करने से पहले ये चीजों को ध्यान रखना होगा कि ये उद्देश्य क्या है और एम्स सिद्धांत क्या क्या हो। इसके बाद हम आएंगे आपको पढ़ाएंगे, तो लिखते हैं हम सबसे पहले कंपोनेंट्स, इसके जानेंगे टूल्स टेक्निक्स प्रैक्टिसेस ऑफ आईपीएम, ये क्या है कई नाम से जाना जाता है, जिसमें से आपके जो मेन कंपोनेंट्स हैं आपको वन बाय वन बताएंगे। पहला कल्चरल कंट्रोल, दूसरा फिजिकल कंट्रोल, तीसरा मैकेनिकल कंट्रोल, फोर्थ लीगल या लेजिस्लेटिव या क्वारंटाइन कंट्रोल, क्या लीगल लेजिस्लेटिव या क्वारंटाइन कंट्रोल, देन फिफ्थ इज बायोलॉजिकल कंट्रोल एंड लास्ट इज केमिकल कंट्रोल, लास्ट इज केमिकल कंट्रोल। ये हमारे क्या है इंपॉर्टेंट टूल्स या कंपोनेंट्स हैं आईपीएम के, कल्चरल फिजिकल मैकेनिकल लीगल लेजिस्लेटिव या क्वारंटाइन बायोलॉजिकल एंड लास्ट इज केमिकल्स। ये हम सीक्वेंस को फॉलो करते हैं आईपीएम में, कभी आपको केमिकल्स पहले एडॉप्ट नहीं करेंगे, मीन्स आपका जो लास्ट रिजॉर्ट्स होता है, लास्ट आपके पास जो ऑप्शन होता है वो क्या है केमिकल्स कंट्रोल होता है। तो ये तो आपने जान लिया कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं आपके आईबीएम के, इनको हम वन बाय वन करके जो इंपॉर्टेंट प्रैक्टिसेस है उनको हम डिस्कस करेंगे। तो इसी क्रम में हम आपको वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे, जिसमें से आपका पहला कंपोनेंट्स लेंगे जिसका डिस्कस करेंगे वो है कल्चरल कंट्रोल। तो आइए हम जानते हैं कल्चरल प्रैक्टिसेस में, सबसे पहले आपको वन बाय वन आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका स्लाइड का, इसमें से हम कल्चरल में जो आपके जो इंपॉर्टेंट प्रैक्टिसेस बताया उसमें से एक एक करके आपको समझाएंगे, पूरा बोर्ड में लिखा हुआ है। आप पहला जो आपका प्रैक्टिसेस है मींस कलेक्शन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रॉप रेजिड्यू और अल्टरनेट होस्ट, इसका मतलब ये होता है कि आपके जो क्रॉप हार्वेस्ट होने के बाद जो आपका स्टबल्स और खरपतवार और आपका जो बचा हुआ स्टबल्स है उसको क्या करेंगे हम कलेक्शन करेंगे मींस क्लीनिंग करेंगे एक तरीके से फील्ड से, जिससे क्या उसका अल्टरनेट जो होस्ट होगा पेस्ट का वो जब नहीं रहेगा तो हमारा पेस्ट ऑटोमेटिक फील्ड में उसका जो इंसिडेंस है वो कम हो जाएगा। देन दूसरा कि गर्मियों में क्या है गहरी जुताई कर देंगे मींस डीप समर प्लॉविंग कर देंगे, जिससे हमारे जो सॉइल पेस्ट है सॉइल में जो सर्वाइव करने वाले पेस्ट जैसे लोकस्ट ग्रासहॉपर टर्माइट्स ये हमारे क्या है जो सॉइल में सर्वाइव करते हैं तो वो हमारे पेस्ट क्या है नहीं रहेंगे, कटवर्म्स हो गया, तो उनकी जो रेस्टिंग अवस्था होती है मींस रेस्टिंग मींस जो आपका जो रेस्टिंग अवस्था जैसे आपका पीपल है आइडल्स है जो आपका डाइपोज वो क्या है किल हो जाएगा जब हाई टेम्परेचर में बाहर आएगा। इसके बाद जो तीसरी प्रैक्टिसेस है टू एडजस्ट द शोविंग ऑब्लिक प्लांटिंग टाइम टू अवॉइड द पेस्ट इन्फेस्टेशन, इसका मतलब है कि आपका जो शोविंग और प्लांटिंग टाइम है वो ऑप्टिमम हम अडॉप्ट करेंगे मींस जो जिसका आपका शोविंग टाइम ऑप्टिमम है, जैसे आपका एग्जांपल हम बताते हैं जैसे आपका इनकेस ऑफ ग्राम मींस चने में क्या होता है कि अगर आप अर्ली शोविंग करते हैं तो आपका जो ग्राम बिल्ट होता है मींस उखठा रोग होता है उसका इंसिडेंस बढ़ जाता है, अगर आप लेट सोविंग करेंगे तो ग्राम पोर बोरर का इंसिडेंस बढ़ जाता है, तो इसलिए हम क्या करेंगे ऑप्टिमम सोविंग टाइम को हम अडॉप्ट करेंगे। ये आपका एक एग्जांपल दिया, ऐसे और भी हमारे बहुत सारी क्रॉप है। दूसरा तीसरा इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है ट्राइंग द फील्ड्स वंस टू एलिमिनेट द एक्स ऑफ ग्रासहॉपर मींस या ग्रासहॉपर को कंट्रोल करने के लिए स्पेसिफिक कल्चरल प्रैक्टिसेस है, जिसमें ट्राइमिंग मींस होता है कि जो हमारी ग्रासहॉपर होता है वो जो इगलिंग करता है वो जो फील्ड की मेड़ होती है बंस होती है वहां पर करता है, तो यहाँ पर जो ट्रिमिंग का है ट्राइमिंग का मतलब है कि जो आपके फील्ड बंस मेड़ है वहां पर जो घास होती है उसको हम जब हटा देंगे तो उसका क्या है होस्ट नहीं रहेगा मींस जब उसको खाने पीने के वहां पर भोजन नहीं मिलेगा होस्ट नहीं मिलेगा तो वहां पर इगलिंग नहीं करेगा मींस इसका जब अल्टरनेट होस्ट आप हटा देंगे तो आपका पेस्ट ग्रासहॉपर का जो इंसिडेंस है वो क्या है कम हो जाएगा। देन नेक्स्ट जो हमारी प्रैक्टिसेस है क्रॉप रोटेशन शुड बी अडॉप्टेड, इंपॉर्टेंट कल्चरल प्रैक्टिसेस है क्रॉप रोटेशन मींस आपको लैंड को फिक्स करना है और क्रॉप को रोटेट करना है मींस कंटिन्यूअस जो आप क्रॉप को ईयर बाय ईयर ग्रो कर रहे हैं उसको हमको नहीं करना है, क्रॉप रोटेशन अडॉप्ट करना है मींस राइस के बाद जैसे आपको ग्राम लगाना है मींस आपको जानते हैं क्रॉप रोटेशन होता है। देन नेक्स्ट
यूज ऑफ रेजिस्टेंट वैरायटी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है और पूछा जाता है कि ये इस तरह से क्वेश्चन आता है कि द यूज ऑफ रेजिस्टेंट वैरायटी कम्स अंडर विच मेथड ऑफ पेस्ट कंट्रोल, मींस पेस्ट के कंट्रोल के आईपीएम के किस टूल्स या कंपोनेंट्स में आपका आता है यूज ऑफ रेजिस्टेंट वैरायटी। अगर आप यूज कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि ये कल्चरल कंट्रोल में आता है, मींस कल्चरल प्रैक्टिसेस यूज ऑफ रेजिस्टेंट वैरायटी। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिसेस है ये राइस के लिए, स्पेसिफिक पैडी के लिए, जो कि क्या है कि हम पडलिंग इंपॉर्टेंट प्रैक्टिसेस है, सभी लोग जानते हैं पडलिंग होता क्या है, धान के खेत में पानी भर के ट्रांसप्लांटिंग से पहले क्या करते हैं, एक लेयर डेवलप करते हैं, मींस जिससे क्या होता है जो हमारा मुख्य उद्देश्य होता है पडलिंग का वो क्या है कि जो आपका परकोलेशन लॉसेस वाटर का है वो क्या है कम हो सके, खरपतवार नियंत्रण हो जाए, और जब खरपतवार नियंत्रण हो जाएगा तो हमारा जो इंपॉर्टेंट पेस्ट होता है राइस में वो है गंदी बग या राइस ईयर हेड बग बोलते हैं इसको, इसका जब अल्टरनेट होस्ट नहीं होगा मींस होस्ट नहीं रहेगा इसको तो ये इसका क्या इंसिडेंस या इन्वेस्टेशन क्या है कम हो जाएगा। देन नेक्स्ट जुडिशियस यूज ऑफ जुडिशियस एंड बैलेंस यूज ऑफ फर्टिलाइजर, इसका मतलब ये है कि आपको फर्टिलाइजर की जो डोज है वो जुडिशियस यूज करना है, मींस ऑप्टिमम बैलेंस में यूज करना, मींस आपको नाइट्रोजनस और जो पोटेशियम फर्टिलाइजर का जो रेशियो होता है उसको क्या बैलेंस अमाउंट में यूज करना, ना तो कम ना तो ज्यादा। अगर आप नाइट्रोजन की डोज बढ़ाएंगे पोटेशियम भी कम करेंगे तो आपका क्या प्लांट में सकुलेंट बढ़ता है, मींस वेजिटेटिव ग्रोथ ज्यादा होती है और पेस्ट का इंसिडेंस क्या ज्यादा होता है, तो इसलिए ध्यान रखना कि नाइट्रोजन और पोटेशियम का जो रेशियो है उसको क्या बैलेंस अमाउंट में यूज करना है। देन लास्ट कल्चरल प्रैक्टिस जो है ट्रैप क्रॉपिंग, इंपॉर्टेंट कल्चरल प्रैक्टिस है। ट्रैप का मतलब क्या है, जैसे नाम से पता चल रहा है ट्रैप मींस होता है लेयर या जाल, लालच देना, मींस जब हमारे क्या करते हैं जो ट्रैप क्रॉप लगाते हैं जो हमारी फील्ड होती है उसके जो बॉर्डर पे चारों तरफ क्या करते हैं हम ससेप्टेबल क्रॉप को लगाते हैं, जो कि हमारे मुख्य फसल है उसके जो कीट है वो मुख्य फसल पे ना करके जो हमारी ट्रैप क्रॉप उसको इन्वेस्ट करें और हमारी जो मेन क्रॉप है वो हमारी पेस्ट के इंसिडेंस या अटैक से वो बच जाए। जैसे कुछ एग्जांपल दिया हमने कैबेज या कॉलीफ्लावर, मींस बंद गोभी और जो फूल गोभी होती है, ये हमारी मेन क्रॉप लिखा भी हुआ है यहाँ पे, मेन क्रॉप ट्रैप क्रॉप और टारगेट इंसेक्ट किस इंसेक्ट के लिए आप लगा रहे हैं, तो जिसमें से पहला है कैबेज या कॉलीफ्लावर, उसका जो ट्रैप क्रॉप है मस्टर्ड, एंड देन जो इंसेक्ट है टारगेटेड वो हमारा क्या है डायमंड बैक मॉथ जिसको बोलते हैं ब्लू टेला जाइलो स्टेला। देन नेक्स्ट टोमेटो, टोमेटो में हम जो ट्रैप क्रॉप लगाते हैं कौन सी मैरीगोल्ड, गेंदा नाम सुना होगा, इसका जो हमारा टारगेट इंसेक्ट है वो क्या है हेलिकोबर्पा निजेरा, मींस जो मेन क्रॉप है हमारी टोमेटो उसके जो बॉर्डर पे हम लगाएंगे क्या मैरीगोल्ड, जिससे हमारा जो है जो हेलिकोबर्पा निजेरा का जो अटैक है वो मैरीगोल्ड पर ही होगा और हमारी टोमेटो जो वो बच जाएगी। एंड इसी क्रम में नेक्स्ट कॉटन, कॉटन के अगेंस्ट हम लगाते हैं ओकरा ट्रैप क्रॉप, एंड देन इंपॉर्टेंट जो पेस्टेड है इसके टारगेट है स्पॉटेड बॉलवर्म इरियास बिटेला जिसको बोलते हैं, एंड कॉटन हॉपर या जैसे भी बोलते हैं इसको, ये हमारे क्या है इंपॉर्टेंट जो हमारे पेस्ट है वो ट्रैप क्रॉप से क्या है ये नियंत्रण हो जाते हैं। तो ये तो था आपका कल्चरल कंट्रोल, इसी क्रम में हम नेक्स्ट आईपीएम का जो टूल्स या डिस्कस करेंगे कंपोनेंट वो हम करेंगे फिजिकल कंट्रोल। कौन जी हम इस स्लाइड में जानते हैं फिजिकल कंट्रोल मीन्स आईपीएम का दूसरा कंपोनेंट जिसको बोलते हैं फिजिकल कंट्रोल, दूसरा कंपोनेंट है हमारा फिजिकल कंट्रोल, जिसमें फिजिकल कंट्रोल होता क्या है पेस्ट में आईपीएम का जो दूसरा कंपोनेंट है आप सिंपली समझ सकते हैं मींस फिजिकल हमारे जो फैक्टर हैं उनको क्या करना मैनिपुलेट करना फॉर द रिडक्शन ऑफ पेस्ट पॉपुलेशन। हमारे फिजिकल फैक्टर जैसे टेम्परेचर, मॉइस्चर, लाइट, ह्यूमिडिटी, ये हमारे क्या फिजिकल फैक्टर हैं, इनको क्या करेंगे हम मैनिपुलेट करते हैं मींस चेंजेज करते हैं फॉर द पेस्ट पॉपुलेशन को रिड्यूस करने के लिए कम करने के लिए, जिसमें से हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। पहला है सन ड्राइंग ऑफ सीड्स, मींस धूप में सीड को सुखाएंगे जिससे हमारी जो हिडन अवस्था है मींस छुपे हुए, कुछ हिडन मींस होता है छुपे हुए, जो इंसेक्ट हमारे सीड में छुपे होते हैं मींस जब एक्सेसिव मींस हाई टेम्परेचर में आपको इनको एक्सपोज करेंगे इन केस ऑफ इन समर, जब टेम्परेचर ज्यादा होता है तो हमारे जो है हिडन अवस्था जो इंसेक्ट की होती है वो क्या है किल हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा है कोल्ड स्टोरेज ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स टू किल द फ्रूट फ्लाई, फ्रूट फ्लाई इंपॉर्टेंट पेस्ट होता है आपका वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स में, मोस्टली फ्रूट में ज्यादा ये इनका इन्फेस्टेशन होता है, तो जब इसको कोल्ड स्टोरेज मींस कम टेम्परेचर में इसको स्टोर करेंगे वो टेम्परेचर हमने ब्रैकेट में लिखा हुआ है 1 से 2 डिग्री सेल्सियस, अगर यहाँ पर टाइम पूछे तो यहाँ पर आप टाइम बता दीजिए, लिख दी यहाँ पर टाइम आपको पता होना चाहिए क्या है 12 to 20 days, 12 से 20 दिन तक अगर आप स्टोर कर दें अगर फ्रूट फ्लाई का इन्फेक्शन है तो फ्रूट फ्लाई क्या है किल हो जाएगी। तीसरा यूज ऑफ लाइट ट्रैप, मींस लाइट ट्रैप का यूज करेंगे इससे क्या है हमारे जो फोटो पॉजिटिव फोटोट्रॉफिक इंसेक्ट्स एक होते हैं मींस लाइट की तरफ जो अट्रैक्ट होते हैं वो इंसेक्ट क्या है हमारे लाइट की तरफ अट्रैक्ट होंगे और जिससे हम क्या है इंसेक्ट हमारे किल कर सकते हैं लाइट ट्रैप के थ्रू। देन चौथा अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग ऑफ पैडी फील्ड टू रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ ब्राउन प्लांट हॉपर, नीला पर्वत अल्यूजेंस जो इंपॉर्टेंट पेस्ट है राइस का जिसको बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये कंसेप्ट इसका मतलब समझिएगा अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग, मींस अल्टरनेट का मतलब यहाँ पर यह है कि मींस आपको पैडी फील्ड में
आपको पता है कंटिन्यूसली 5 सेंटीमीटर स्टैंडिंग वाटर रिक्वायरमेंट होना चाहिए, ये आपका रिकमेंडेड है। लेकिन अगर जब कंटिन्यूसली क्या है पानी भरा रहता है तो मीन्स मॉइस्चर रहता है तो बहुत सारे इंसेक्ट पेस्ट का अटैक होता है। तो अगर हमें बीपीएच हमें फील्ड में आपको दिख रहा है कहीं अपीयर है तो क्या करेंगे, मीन्स उस जो पानी है उसका मॉइस्चर लेवल को हम मैनिपुलेट करेंगे, ठीक है। मीन्स पहले क्या करेंगे, नमी है तो उसको क्या ड्राइंग करेंगे देन फिर उसको इरिगेट करेंगे। तो अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग जब अडॉप्ट करेंगे, अगर बीपीएच का इंसिडेंस है तो हमारा ये इंसिडेंस जो बीपीएच हुआ कम हो जाएगा। देन नेक्स्ट मीन्स यहाँ पर हम टेम्परेचर से रिलेटेड बता रहे हैं, मीन्स यहाँ पर हमने बताया कि फिजिकल फैक्टर्स को मैनिपुलेट करना पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए, इसको फिजिकल फैक्टर हमने पहले बता दिया, टेम्परेचर, मॉइस्चर, लाइट, ह्यूमिडिटी, ये सारे हमारे फिजिकल फैक्टर हैं। इसी क्रम में हम आएंगे हॉट वाटर ट्रीटमेंट ऑफ पैडी सीड्स, पैडी सीड्स स्पेसिफिक बता रहे हैं हम आपको। पैडी सीड्स में अगर निमेटोड का इन्फेस्टेशन है, सूत्रकृमि जिसको बोलते हैं व्हाइट टिप निमेटोड्स, ठीक है। तो अगर व्हाइट टिप निमेटोड का इन्फेस्टेशन है तो आपको यहाँ पर क्या करना है, हॉट वाटर सीड ट्रीटमेंट करना है, टेम्परेचर है 50 से 55 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 मिनट। अगर ये व्हाइट टिप निमेटोड है तो ये हमारा क्या है कील हो जाएगा। देन नेक्स्ट यूज ऑफ स्टिकी ट्रैप, स्टिकी ट्रैप से क्या है, स्टिकी ट्रैप यहाँ पर यूज करेंगे या येलो स्टिकी ट्रैप, तो आपको एफिड एंड व्हाइट फ्लाई का इन्फेस्टेशन से आप नियंत्रण कर सकते हैं। जैसे स्टिकी ट्रैप का मतलब यहाँ पर ये होता है कि स्टिकी मटेरियल ग्लू आप यूज करेंगे, किसी आपको पॉलीथीन सीट्स या किसी बोर्ड पे आपको टैग कर देना फील्ड पर, वहाँ पर स्टिकी मटेरियल लगा रहेगा। तो हमारा आपको पता होना चाहिए जो एफिड है बहुत छोटा इंसेक्ट्स होता है, माइन्यूट इंसेक्ट होता है, जैसे ये फ्लाइंग करेगा और जैसे कंटेक्ट में आएगा आपका जो बोर्ड लगाया हुआ है स्टिकी मटेरियल में, वहाँ जाकर ये चिपक जाएगा और ये वहाँ पर वहाँ से फिर आगे नहीं बढ़ पाएगा, हमारा एफिड जो कंट्रोल हो जाएगा। दूसरा जो येलो स्टिकी ट्रैप, यहाँ पर क्या है ग्लू सेम होता है, यहाँ भी ग्लू यूज करते हैं यहाँ यूज करते हैं, लेकिन अंतर यहाँ पर येलो कलर का जो आपको यहाँ पर कलर कैसा यूज करना है, येलो यूज करना, और येलो कलर में जो हमारा इन्फेस्टेशन मीन्स जो अट्रैक्शन होता है येलो कलर में वो व्हाइट फ्लाई का होता है, सफेद मक्खी का। तो इसी क्रम में हम येलो स्टिकी ट्रैप यूज करते हैं फॉर स्पेसिफिक किसके लिए, व्हाइट फ्लाई के लिए। तो ये कभी कभी पूछा जाता है कि येलो, अगर येलो स्टिकी ट्रैप किसके लिए है तो व्हाइट फ्लाई के लिए, अगर खाली स्टिकी पूछे तो आपको फिर एफिड की तरफ जाना। देन लास्ट स्टेप फ्लडिंग ऑफ द फील्ड्स टू मैनेजिंग द, जो हमारे अगर आप जो हमारे सॉइल में इंपॉर्टेंट जो हमारे पेस्ट होते हैं जैसे टर्माइट, ग्रास हॉपर, वाइट ग्रब, अगर इन पेस्ट का इंसिडेंस है तो आपको क्या करना, फ्लडिंग कर देना है। फ्लडिंग कंडीशंस आपको पता होना चाहिए होता क्या है, फ्लडिंग क्या होता है, जब मैक्रो और माइक्रोपोर दोनों क्या है वाटर से हमारे फील्ड हो जाते हैं तो वो कंडीशन हमारी क्या होती है, फ्लडिंग। और फ्लडिंग जब हो जाती है तो क्या है वहाँ पर ऑक्सीजन का जो लेवल है वो कम हो जाता है, और ड्यू टू एस्फिक्सिएशन एक टर्म्स होता है उसकी वजह से इंसेक्ट की क्या है डेथ हो जाती है। मीन्स प्रॉपर जब रिस्पायरेशन नहीं होगा तो वहाँ पर हमारे जो सॉइल पेस्ट है वो क्या है उनकी डेथ हो जाती है। ये हमारा क्या था, तो ये आपके वन बाई वन करके हमने आज जो डिस्कस किया है, दो कंपोनेंट डिस्कस किया है, कल्चरल और फिजिकल कंट्रोल। तो मैं आशा है कि आप लोग को ये सब समझ में आया होगा, और अगर कुछ नहीं समझ में आया तो कमेंट करके हमको नीचे बता सकते हैं। यूट्यूब जो हमारा चैनल है ऑफिशियल चैनल है एकलव्य एग्रीकल्चर एकेडमी का, तो हम उसमें कुछ सुधार भी करेंगे। अगर कुछ सजेशन है तो सजेशन भी हमें दे सकते हैं, उसको हम अडॉप्ट करेंगे, फॉलो करेंगे। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।